नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी डिलीवरी भी गर्मी के मौसम में होने वाली है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मतलब ये है कि जब गर्मी में आपकी डिलीवरी हो तो आपकी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा हो, यानी कि 7वां, 8वां या फिर 9वां महीना चल रहा हो, तो आपको इन तीनों ही महीने में कुछ गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके डिलीवरी पे इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि आप चाहेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चा स्वस्थ रहे, आप भी हेल्दी रहें, डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पीने के बारे में। क्या होता है कि गर्मी में हमें ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, मन करता है कि कुछ ना कुछ पीते रहें और ठंडी चीज़ें लेते रहें, मतलब कि कुछ ना कुछ ठंडा पीते रहें। लेकिन देखिए, प्रेगनेंसी में अगर आप इस टाइम ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेते हैं तो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि देखो, ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेने से क्या होता है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, गर्भाशय की मांसपेशियां हैं ना, वो सिकुड़ने लग जाती हैं, जो कि इस टाइम आपके लिए सही नहीं है। मांसपेशियों को खुलना होता है ताकि वो डिलीवरी के लिए तैयार हो सके, उसे लचीला होना होता है। अगर आप ठंडी चीज़ें ज़्यादा लेंगे, यानी कि ठंडा पानी पी लेते हैं, आप जूस पी लेते हैं, नारियल पानी, या फिर आप कुछ भी पी रहे हैं ठंडा ठंडा, तो उससे आपकी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाएंगी, जिससे कि वो टाइम पे खुलेंगी नहीं और आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश करें कि इस समय आपको ज़्यादा ठंडा कुछ भी नहीं पीना है, जो भी आपका मन है आप उसको नॉर्मल करके पीजिए। बाकी तो देखिए, आपको इस समय कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक तो पूरी प्रेगनेंसी में नहीं पीना है। जो सोडा होता है ना, काले पीले रंग के आते हैं, ऑरेंज कलर के आते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी आपको लेना है ताज़ा बना के घर में लेना है, या फिर बाहर भी जा रहे हैं तो जूस वगैरह पीजिए, ना कि कोई भी अनहेल्दी चीज़ आप लीजिए, ठीक है। देखो, पीने की बात हो गई है तो अब खाने की बात कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गर्मी का महीना है तो आप कुछ भी ठंडा खाने लग जाएंगी, आपको कुछ ठंडा भी नहीं खाना है। सेम प्रॉब्लम आपको ठंडी चीज़ें खाने से होंगी, जैसे कि ठंडी दही आप खा रहे हैं, या फिर आप एप्पल खाने वाली हैं लेकिन फ्रीज में रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपको जो भी खाना पीना है उसको पहले रूम टेम्परेचर पे लेके आइए, उसके बाद ही खाइए, या फिर बहुत ही हल्का फुल्का ठंडा होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस चीज़ को खाइए। इसके अलावा देखिए, क्या है कि नॉर्मली हमें लगता होगा कि गर्मी का महीना है और हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो वो ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा और हमें दिक्कत करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां, 9वां महीना चल रहा है, गर्मी में आपकी डिलीवरी है, तो आपको ड्राई फ्रूट खाना बंद नहीं करना, पूरी प्रेगनेंसी ही आपको ड्राई फ्रूट खाना है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि आपको बादाम खाना है तो रात में पानी में डाल दीजिए, सुबह उठ के छिलका उतार के खा लीजिए, उससे बादाम की तासीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, गर्म नहीं रहती है। ऐसे ही आप अखरोट खा सकते हैं, और आपको इस समय भी लगभग एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट डेली खाना है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सबको मिला के एक मुट्ठी डेली खाने का नियम बना लीजिए। आप इस समय रोजाना कम से कम 8 खजूर खाइए, क्योंकि उससे आपको आयरन अच्छी मात्रा में मिल जाती है, जो कि डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी है, प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प करते हैं, लेवर पेन लाने में हेल्प होता है और दर्द को सहने में भी हेल्प होता है, तो इसीलिए खजूर जरूर खाना है, ठीक है। तो ये बात होगी ड्राई फ्रूट की, जो कि आपको खाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो तब भी। अब देखो जी, इसके बाद बात आती है एक्सरसाइज के बारे में। तो गर्मी का महीना है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आलसी बन जाते हैं, टहलना नहीं चाहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं कि गर्मी पड़ रही है, आज नहीं कल कर लूँगी, शाम में कर लूँगी, सुबह कर लूँगी, या फिर खाना खा के भी आलस आता है तो लेट जाते हैं, टहलते नहीं हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। एक्सरसाइज आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके डिलीवरी के बाद भी काम आती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक परेशानी होती है। अगर आप एक्सरसाइज करके रखती हैं तो आपका बॉडी इस हिसाब से अपने आप को रेडी कर लेता है कि आपको कष्ट ज़्यादा ना हो, तो हमेशा ही आपके काम आता है अगर आप एक्सरसाइज करने पे ध्यान देती हैं तो। तो गर्मी का मौसम है तब भी आपको रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करना है। सुबह थोड़ा जल्दी जग जाइए ताकि मौसम ज़्यादा गर्म ना रहे, और जैसे आप एक्सरसाइज करते आ रहे हैं वैसे कीजिए, और प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका जो एक्सरसाइज है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो डॉक्टर से पूछ के कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं उसको सुबह शाम कीजिए। नॉर्मल डिलीवरी आपकी बहुत ही आराम से हो जाएगी, बच्चा बहुत ही आराम से बाहर आ जाएगा और बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। और बात आती है टहलने की, तो इस समय भी आपको सुबह शाम टहलना है। देखो, धूप पे तो नहीं टहलना, जल्दी जग जाइए, जल्दी टहलिए, सुबह की ताज़ी हवा मिलेगी। रात में क्या करना है कि सॉरी शाम में क्या करना है कि जब धूप आपका छिप जाता है तो उसके बाद आप आराम से टहल सकती हैं, पानी का बॉटल लेके टहलिए साथ में, है ना, क्योंकि
टहलेंगे तो प्यास लगेगी, थक जाएंगे, तो पानी का बॉटल साथ में रखिए और लगातार मत टहलिए, थोड़ी देर टहल लीजिए, फिर बैठ जाइए, सुस्ता लीजिए, आराम कर लीजिए, उसके बाद फिर टहलिए, यानी कि आधा घंटा कम से कम टहलिए और बीच बीच में आराम कर करके टहलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि लगातार ही आपको टहलना है, आप आराम कर करके भी टहल सकती हैं। किसी भी महीने की आप गर्भवती हैं, आपको हैवी खाना नहीं खाना, और ख़ास तौर से गर्मी के महीने में, क्योंकि इस समय आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, तो आप अगर हैवी खाना खा लेते हैं, तला भुना मसाले वाला, या फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर परेशानी होगी, और कई बार तो इतनी परेशानी होती है कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए हल्का फुल्का खाना खाइए, थोड़ी थोड़ी देर पर खाइए, मतलब कि 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी अभी खा लीजिए, 2 रोटी आप 2 घंटे के बाद खा लीजिए, ताकि पेट को ज़्यादा जोड़ ना पड़े उसको पचाने में, ठीक है। इसके अलावा गर्मी का महीना है तो आराम से सलाद वलाद खूब खाइए, जितना आप खा सकें उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दही खाइए, दही इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, जो भी मार्केट में आपको सब्जियां दिख रही हैं वो सारी फायदेमंद होती हैं, उन सबको आप रोजाना खाइए, बदल बदल के खाइए, कुछ ना कुछ आपको फायदा ही मिलेगा। गर्भवती महिलाओं का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता वैसे भी कमजोर होती है, इसीलिए इस समय जो भी फल और सब्जियां आपको मार्केट में दिखती हैं आपको उनको जरूर खाना है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी होती है जो कि आपको इस समय होने वाली बीमारियों से बचाती है, ठीक है। तो सारे फल और सब्जियों को खाइए। इनके अलावा देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि सफ़ेद पानी हमें ज़्यादा आता है, और जैसे जैसे आपके डिलीवरी का समय नज़दीक आता है आपका वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो गर्मी में साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठंड में तो फिर भी आप 1% कम रखेंगी तो काम चल जाएगा, लेकिन गर्मी में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया कीटाणुओं का अटैक होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो इससे आप तो परेशान होंगी होंगी, साथ ही साथ आपका बच्चा भी काफ़ी परेशान होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अगर इन्फेक्शन ज़्यादा ही फैल गया है तो। इसलिए वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, या फिर प्रेगनेंसी का 9वां महीना है तो आपको म्यूकस प्लग डिस्चार्ज भी होता है, जो कि डिलीवरी का एक लक्षण होता है, और बच्चे के हेड डाउन पोजिशन में आने के बाद आपको म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होता है, क्योंकि म्यूकस प्लग डिस्चार्ज जो है ना आपके गर्भाशय ग्रीवा पे डॉट की तरह लगा हुआ होता है, लेकिन जब बच्चा नीचे आता है वो प्रेशर बनाता है तो वो डॉट खुल जाती है और धीरे धीरे करके आपका म्यूकस प्लग बाहर आने लग जाता है, तो ये संकेत है कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी और आपका बच्चा नीचे आ गया है। लेकिन क्या है कि भाई अगर आपका म्यूकस प्लग डिस्चार्ज बाहर आ रहा है या फिर वाइट डिस्चार्ज बाहर आ रहा है और आप उसको वैसे ही पैंटी पर लगा हुआ छोड़ देती हैं, गीला गीला सा लग रहा है, तो ऐसे में इन्फेक्शन होगा, तो क्या करना है कि भाई साफ सफाई का ध्यान रखना है, जब भी यूरिन पास करती हैं पानी से साफ कर लीजिए और किसी सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, या फिर आप पैंटी लर्नर का इस्तेमाल कर सकती हैं, दिन में 2 से 3 बार अपनी पैंटी को चेंज कीजिए ताकि गंदगी ना रहे, ठीक है, मेन बात यही है। और इसके अलावा जो भी आपकी पैंटी वगैरह उसको धूप में सुखाइए ताकि उस पर भी कोई बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह लगा हुआ ना रह जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से आपके अंदर की सफाई होती है तो आराम से गंदगी बाहर चली जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट ध्यान आपको रखना है वो ये कि आपको इस समय धूप में नहीं जाना है, क्योंकि धूप में जाएंगे तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाएगी, चक्कर वगैरह आपको आने की समस्या हो जाएगी, तो डॉक्टर वगैरह के पास जाना भी है, तो ध्यान रखिए कि उस टाइम जाएँ जिस टाइम ज़्यादा धूप ना हो, मतलब कि मॉर्निंग में जाएँ या फिर इवनिंग में जाएँ, धूप में ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें कि बिल्कुल दोपहर के 12 बज रहे हैं 1 बज रहा है और आप उस समय धूप में निकल रही हैं, वो ठीक नहीं है आपके लिए, है ना, क्योंकि डिलीवरी जल्दी है, बीमार पड़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है तो आपको डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।